वहां पर छोड़ी हुई अपनी भूमि अनेक को प्यारी होती है। सिंधी समाज से जुड़े बहुत लोग सिंध से आज भी भारत के अंदर आते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले यही लखनऊ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सिंधी समाज से जुड़े हुए सिंध से आए हुए लोगों ने किस प्रकार की अपनी आपनीति सुना रहे हैं। दिल्ली में उनके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब भी हम देखते थे किस प्रकार की घट त्रासदी से आज भी गुजर करके वहां पर अपने धर्म अपनी परंपरा अपनी संस्कृति को बचाते हुए कार्य कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर हम एक सुखद और अच्छे माहौल में प्रगति की नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करने के लिए, इससे 1947 जैसी त्रासदियां फिर से कभी ना आने पाए, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए और इसके लिए हम में से हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है कि राष्ट्र प्रथम है, पहला हमारे लिए हमारा देश है। हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देते, और कोई भी हो, हमारा सगा ही क्यों ना हो, अगर वह राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें सदैव खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, देश है तो धर्म भी है, धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। हमारी प्रायोरिटी इसी प्रकार से करनी है और उसी प्रायोरिटी को बनाते हुए हमें कार्य करना होगा, वही परंपरा को हमें आगे बढ़ाना होगा। और आज तो देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, आपने देखा होगा। आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं तो लखनऊ में अगर आए हैं तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर विरासत का सम्मान नहीं है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए, 6 वर्ष पहले क्या था आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी कैसे चमका रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न ले। सिंधी समाज को अपनी